पाद गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरी गुनगाने लगी ऐसी रानी लगन बन के जुगन चली मेरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी रानी लगन मेरा हो गई प्रभु भक्ति और देशभक्ति ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए इन दोनों में एक में भी कमी हुई तो बात नहीं बनती प्रभु भक्ति भी हो और देशभक्ति भी हो तो आइए उस ओर मुड़ते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा 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 जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया यही गड़बड़ हो गया कि इसको सोने की चिड़िया कह दिया और सोने की चिड़िया कह दिया छोटी सी चिड़िया उसको लोगों ने खूब लूटा अंग्रेजों ने तो बहुत लूटा तो पहले तो सोने की चिड़िया थी लोगों ने लूट लिया लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर अब कोई लूट के दिखाए बल्कि जिन लोगों ने लूटा था उनके यहां का प्रधानमंत्री भारतीय है सनातनी तो मैंने इसकी पंक्तियां बदल दी है As this an international film festival, which is organized in Mumbai, where the Bollywood resides, so it's such a beautiful city with beautiful people and with actors, how can we reside Bollywood music? Even I am a hard fan of Bollywood music. So let's begin the biggest international film festival. Anup Chalada, thank you. Now, let me introduce you to He Dishika. He's an emerging artist who represents the traditional Kathak dance from of the Banaran Garan. A descendant of the legendary family of the late Acharya Pandit Surkhed Maharaj. Rishika started learning the dance from as a toddler. She's the 11th generation of Banaras Kharna. She began training at the age of 3 under her mother. देवी और सज्जनों मूनवाइड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुरस्कारों की प्रस्तुति के लिए आपके बीच आकर मुझे वास्तव में खुशी हो रही है भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान है दरअसल मैंने उनके दिवंगत पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के भी कई भजन सुने हैं इसलिए जब अनूप जलोटा जी ने मुझसे पुरस्कार समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया तो मैंने तुरंत अनुरोध स्वीकार कर लिया भले ही आज मेरे लिए बहुत ही व्यस्त दिन था आज सीमा पार से देश के दुश्मनों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों की शहादत की 15वीं वर्षगांठ है यह गर्व की बात है कि आतंकवादी हमले के बाद भी भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है दूसरी ओर आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला देश हर मोर्चे पर नाकाम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता खो रहा है इस अवसर पर मैं शहीद हुए हमारे जवानों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मुझे बताया गया है कि छठा मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट कल शुरू हुआ और इसमें दुनिया भर से विभिन्न शैलियों के कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई
मुझे यह जानकर खुशी हुई कि फिल्मों का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें राहत जाफरी, पंडित सुभाषित राज, श्री योगेश लखानी, CMD ब्राइट इंडोर मीडिया, गायक डॉक्टर जसपिंदर नरूला और प्रसिद्ध फिल्म स्टार श्री अरुण गोविल शामिल थे। मैं जूरी के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ। श्री देवाशीष सरगम द्वारा स्थापित मूनलाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न केवल सिनेमा की कला का उत्सव मनाता है, बल्कि उन असाधारण प्रतिभाओं को भी सम्मानित करता है जिन्होंने हमारी फिल्म विरासत को समृद्ध किया है। आज हम फिल्म जगत में उत्कृष्ट गहराई और भावनाएं जोड़ी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मृत्यु वर्मा को दिया गया है, जो एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति है जिसने अपनी कहानी और कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुधीर अत्तावर की दूरदर्शिता और कौशल की भी सराहना करते हैं, जो दर्शकों को पसंद आई और एक अमिट छाप छोड़ गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता के लिए भी तालियां जरूर बजानी चाहिए, जिनके अभिनय ने मनोरंजन के साथ हमें प्रेरित भी किया। इस प्रतिष्ठित उत्सव के प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री अनूप जरोटा जी और पंडित सुभाषित राज और अन्य सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे से अथक प्रयास किया है। मेरा जन्म 1947 में हुआ, जिस वर्ष भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। संयोग से भारतीय फिल्म उद्योग अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। मैंने उस सुंदर स्वर्ण युग की बेहतरीन फिल्में देखी, बेहतरीन संगीत सुना और बेहतरीन गीत लिखे हैं। आज भी कई फिल्मों के गाने मैं गुनगुनाता हूँ। मुझे दुख है कि आज गुनगुना सके ऐसे गाने बनते ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म निर्माता एक बार बेहतरीन फिल्में बनाए, आपकी फिल्मों को आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करना चाहिए। मैं इसलिए ये बातें कह रहा था, जब ये कार्यक्रम में रोज जरोटा जी भी मेरे साथ थे, देवानंद जी का कॉफी टेबल बुक का ये विमोचन कर रहा था, उस समय मैंने कहा था कि अभी जो गीत होते हैं उसमें संगीत ज्यादा होता है, बोल कम होते हैं। पुराने गाने जितने भी देखे, आज भी निगम जी ने जो गाना गाया पुराने गाने गाए, पुराने गाने में जो मधुरता, और मैं तो उस दिन कहा भी था कि कोई अगर बाथरूम में कोई गाना गुनगुनाना चाहे तो पुराने ही फिल्मों के गाने को गुनगुनाते हैं। भारत में बच्चों का भव्य फिल्म महोत्सव, एक भव्य युवा महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। हम अपनी फिल्मों के माध्यम से शांति और सद्भावना का संदेश दे सकते हैं। फिल्म निर्माताओं के पास युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रभावित करने का माध्यम है। आइए हम रचनात्मक और सकारात्मक फिल्में बनाए, जिससे शांति, सकारात्मक का ज्ञान का निर्माण हो। अंत में मैं प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को सिनेमा की दुनिया में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। It was so honor for us कि हमारे बीच में ऑनरेबल गवर्नर जी श्री रमेश भाई जी हमारे बीच में हैं, और मैं बहुत बहुत उनको थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हमें मिला। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप लोग प्लीज़ अपना सीट ग्रहण करें। Thank you.
चलो रोलिंग। चलिए शुरू शुरू। सचिन का हमारे सर थोड़ा सा मैं तो आ जाऊंगा, उसको कवर तो मत कर। चल रेडी एवरीवन। अनुप जी हमारे गवर्नर सर आए और उन्होंने अवार्ड भी दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक फिल्म फेस्टिवल बच्चों की फिल्मों के लिए होना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, उसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अगले अपने फेस्टिवल में एक कैटेगरी रखेंगे जिसमें बच्चों की जो फिल्में हैं उसको हम अवार्ड देंगे। तो जो लोग बच्चों की फिल्म बना रहे हैं वो इसको बात को ध्यान से सुने, और नेक्स्ट हमारे 7th जो फेस्टिवल होगा उसमें आप लोग अपनी फिल्म जो बच्चों में बनाई वो भी भेजिएगा। सर आप इतने व्यस्त रहते हैं, उसमें इतना समय निकाल के आप इस फेस्टिवल को कैसे दे पाते हैं? देखिए ऐसा है कि जो काम मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए। अब अगर मुझे कोई आज बुला ले कि किसी डिस्को में आना तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मेरा मन होता है। मैं सुबह से आया हूँ जयपुर से और कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, कुछ मंत्र रिकॉर्ड किए मैंने, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ के बाद मुझे यहाँ के बाद मुझे फिर एक बहुत अच्छी सिंगर हैं पूजा गायतुंडे, बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी शादी अटेंड करनी है। तो वहीं जाना चाहिए इंसान को जहाँ उसका मन करता है। मैंने जब ये रिक्वेस्ट यहाँ आने के लिए गवर्नर साहब को भेजी तो वो इतने खुश हुए, कहने लगे यही सब तो होना चाहिए, लोगों के जो टैलेंट्स हैं उन्होंने जो काम किए हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं देवाशीष को बहुत बधाई देता हूँ कि ये इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। अब ये जो 7th फेस्टिवल होगा फिल्म फेस्टिवल अगले साल, आप देखिएगा कि वो और खूबसूरत होगा, आज से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ पूछे ना। आपने चिंता जताई है कि जो आज का म्यूजिक है कहीं ना कहीं जो उसके लिरिक्स है लोग भूल रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय ये है कि लिरिक्स ही हैं जो याद रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको सुनाऊं ला 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 ला, इसमें वो दम नहीं है, लेकिन इसमें लिरिक्स मिला दीजिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इसका मतलब है कि लिरिक्स हैं जो याद रहते हैं लोगों को। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय, यानी पोइट्री आगे है म्यूजिक उसके पीछे है। तो अच्छी पोइट्री जो आजकल बहुत कम सुनने में आ रही है उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अनुप सर, इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सारा क्रेडिट गवर्नर साहब ने आपको दिया है सर? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया, इनको दिया है। अरे मुझे तो ये कहा है कि भाई आप इसमें सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो हम हमेशा सहयोग देते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे जो काम करते हैं वो देवाशीष करते हैं, इनकी टीम करती है और बहुत काम करते हैं। देखिए पहला तो ये 6th ईयर हमारा जो है इसके प्रेजेंटर अनूप जी और SBI बैंक है, सो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म फेस्टिवल को इस लेवल पे लाना और कम समय में लाना। 6th ईयर है हमारा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। बीच में 2 साल जो आपको पता है कि कोविड सिचुएशन भी था हमारे पास, लेकिन उस वक्त भी अनूप जी ने कहा और हमने डिसाइड किया कि हम इवेंट को बंद नहीं करेंगे और हम ऑनलाइन करेंगे। सो उस वक्त भी बहुत सारे फिल्म आई, ऑफलाइन में भी आई और ऑनलाइन में भी चल रही है। अब तो खैर अब हम पूरी तरह से फेस्टिवल कर रहे हैं। इसका मोटिव जो है फिल्म फेस्टिवल का सिर्फ यही नहीं है कि हम पिक्चरें दिखाएं, हमें ये दर्शाना है कि जितनी भी अच्छी पिक्चरें आएँ, जो टैलेंट छुपा है, जैसे कल भी नो वाटर लैंड हुआ है, टिट्टू अंबानी कल भी दर्शाई गई है, और जो है आपका हे फॉरनर जो आई थी जो इंग्लैंड से थी, वो भी उनके जो एक्ट्रेस है वो इंग्लैंड से हैं बट वो इंडिया में वो काम कर रही है, काफ़ी पिक्चरों में काम कर रही है, उनकी भी मूवी आई थी। एंड बहुत ही बेहतरीन मूवी लाती है फिल्म फेस्टिवल, और नेटफ्लिक्स से भी हमारी मूवी आ चुकी है, वुडी हैरिसन की भी मूवी आ चुकी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अन्य फेस्टिवल में नेटफ्लिक्स कभी भी अपनी मूवी सिलेक्शन या अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। बट गुरुजी का आशीर्वाद है कि नेटफ्लिक्स के 2 साल जो है हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और अगले साल भी फिर शायद वो ज्वाइन होंगे। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फेस्टिवल, और मैं बाकी जूरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि करके आए। हाँ सब सब को लिख कर। थैंक यू थैंक यू। एक मैडम लीजिए, एक पिक्चर साथ में लीजिए।
लाइट हाँ जरूर शुक्रिया 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 मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगा रोलिंग ऑल कैमरा ओए ओए ले ले भाई रोलिंग आपकी फिल्म नो वाटर के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो फिल्म फेस्टिवल का धन्यवाद जूरी मेंबर्स चीफ गेस्ट एंड ऑल दी फिल्म मेकर्स जो इस फिल्म के फिल्म में हिस्सा लिया और जो जीते हैं और जो शायद अगले साल फिर जीतेंगे तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो जहाँ पानी नहीं है उसके बारे में नो वाटर लैंड जो कि महाराष्ट्र में जगह है नासिक वहाँ के दो गांव की कहानी है गोलसपाड़ा बोरचीपुर और अवार्ड पहला अवार्ड है आपका शायद ये तो कैसा लग रहा है नहीं ये इस फिल्म फेस्टिवल का मेरा ये दूसरा अवार्ड है मुबारक इससे पहले मैंने एक और फिल्म बनाई थी जो कि अगेन सोशल ड्रामा थी पेनफुल प्राइड वो मैंने पॉज के ऊपर दी जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतुराज जी को मिला था और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस साल की पहली है जो मैंने पहले यहाँ भेजी है जिसका मुझे अवार्ड मिला इस फिल्म को मिला जी एक एन जी ओ है वेल्स ऑन व्हील्स जो कि लंदन बेस्ड है और शेज़ मेनन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो उसके फाउंडर भी हैं तो संजय कपूर सर के थ्रू ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया और हम जब रेकी पे गए तब हमें मालूम चला कि क्या प्रॉब्लम उस ज़मीन में पानी नहीं है वहाँ पाइप्स हैं नल है सब कुछ है लेकिन पानी नहीं तो जो औरतें हैं जो बच्चियाँ हैं उस पानी भरने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती और स्कूल ना जाने से उनके जो सपने हैं पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर बनने का वो अधूरा रह जाता है तो उन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है वाटर व्हील जो 30 से 35 लीटर का पानी स्टोर कर सकता है और वो सिर्फ बड़े ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस वजह से बच्चियाँ स्कूल भी जाने लगी हैं लेकिन जो पानी का इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ आपसे आमिर खान साहब भी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या प्रेरणा आपको वहीं से मिली जो पानी प्रोजेक्ट पे आमिर खान साहब कर रहे हैं नहीं सर प्रेरणा मुझे अपने काम से मिली मैं और किसी से कोई प्रेरणा नहीं लेता हालांकि आमिर खान साहब के पास चीज़ें अच्छी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो और लोगों तक पहुंच सकती है जहां से जैसे मैं अगर 4 लोग से कह सकता हूं तो वो 4,000 से कह सकते हैं तो उनके फॉलोअर्स अलग हैं बट प्रेरणा ये इंसानियत है आप खुद जाएंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा बट बनता ये है कि हम मुझे इस बात का थोड़ा दुख है कि एक बाहर का इंसान जो दूसरे देश का है वो हमारे देश के लिए सोच रहा है हम नहीं सोच रहे तो ये एक थोड़ा है बाकी प्रेरणा आने वाला प्रोजेक्ट सर एक शॉर्ट फिल्म एक और है शमा सिकंदर जी के पास नो बॉम्बे और एक मेरी फीचर फिल्म है हाउस ऑफ लाइज जो संजय कपूर जी के साथ है तो बस फिल्में रिलीज हैं और आप लोग साथ दीजिए प्यार देते रहिए थैंक यू रोलिंग ऑल रोलिंग ऑल सर Yes. आपकी फिल्म को अवार्ड मिला है और ये बहुत खूबसूरत सी ट्रॉफी दिख रही है Yes. तो कैसा लग रहा है हाउ आर फीलिंग नाउ इट्स रियली वी एक्साइटेड We never expected that the Kannada movie is going to get such a honor here in Maharashtra, and not only that, all the rest of the international films. So it's really a great honor for us to receiving this award from Governor Shri Ramesh Bias ji, and thank to Anup Jalota sir, also the founder and director Sudham Devashi Sargam ji. Yeah, the whole team is really. Or Sudhir Rathavar put a lot of effort on that movie actually. In fact, even sound effects and BGMs are looking very, very, very good actually. And I had to thank the producer. Actually, we made it quite a long time, like 2018 we just completed and did that censor in 2021. Because some other reason, this is the second part of one film actually. That film has been removed within 3 days of the release. So our producer was a bit disappointed and we kept this film aside. Then we rebuilt the thing whole and started sending these festivals. It's already been selected
for Manchester Film Festival and Kenya Film Festival. And of course, it's a great honor to begin with this Moon White Films International Film Festival. And my producer, Mr. Trivikram, actually, we are doing a film Koragajja, where Kabir Bedi, Ganesh Acharya from Hollywood, Bollywood, and Sandeep Soparkar, of, they are in a main team in our film Koragajja. It's, we completed the shoot and post-production work is on. I have to thank Mr. Vidyadhar Shetty, who is the executive producer and editor of this film, who just coordinated everything, and my whole team for this such a wonderful actually, work. Koragajja is a pan-India movie. It's a pan-India movie. Shortly, another 2-3 months, it will come out, come to the floor actually. Yeah, it is. No, it is come to on the screen. In front of you. We are doing it in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada languages. This is a very interesting story that film I would like to share few things. It is a boy who lived about 800 years before. He has been worshipped in most of the coastal Karnataka and Kerala region. And it's a great thing because when tribal Adivasi, honorable President of India, Draupadi Murmuji, when she became a president of India, we are bringing a film on Adivasi boy, that a pan India film. Okay, all the best. Thank you. Sir, thank you. Yes. Ready all? Yes. जसविंदर जी आप जूरी में हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में इस बार दिखाई गई हैं इंटरनेशनल फिल्म इंडियन फिल्म्स जी, तो फिल्म चयन करने के लिए कितना वक्त निकाल कैसे पाती हैं? म्यूजिक के शोज होते हैं, रियाज होता है जी, कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ता है. जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वक्त तो निकालना पड़ता है. पहली बार मैं आप सबके मुखातिब हूँ, तो नमस्कार बहुत बहुत. और आप लोगों को थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से आके प्रोत्साहन बढ़ाते हैं नए लोगों का. और ये 6 साल से ये मून वाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, इनसे मैं अबाउट 4-5 साल पहले से जुड़ी हूँ. तो ये देवाशीष सरगम बहुत मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ से जा के मतलब जो हैं लोगों को इस तरह से कांटेक्ट करके अपने बलबूते पे, यानी कोई ज़्यादा उनका ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था है या कुछ है जो करा रहे हैं. तो ये वन मैन शो टाइप है, तो इसीलिए मैं हमेशा उसको प्रोत्साहित करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेहनत करता है. तो आई रियली विश हिम ऑल द गुड लक एंड सक्सेस इन फ्यूचर. और आप लोग भी इसी तरह आते रहें और ये होता रहे जी. दीदी जाते जाते बस एक लाइन कुछ भी गुनगुना दीजिए फेस्टिवल के लिए. अरे फेस्टिवल के लिए गुनगुना दें, क्या गाऊं? आपके तो सब सुपर हिट हैं. हाँ, अपनी दीवानी का अपनी दीवानी का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे. थैंक यू थैंक यू जी. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, देवाशीष सरगम जी का, कि एक तो उन्होंने इतना अच्छा फेस्टिवल बनाया जहाँ पे हम अपनी शॉर्ट फिल्म सबमिट कर सकें, और आप एक इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं, और अगर आप उसमें आपको अवार्ड मिलता है तो आपको बेहद खुशी मिलती है. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी कास्ट अंदर है वो चीयर कर रही है लोगों को, बट अगर मैं आज एक डायरेक्टर बन पाया हूँ शॉर्ट फिल्म का, तो वो मेरे कास्ट की वजह से है, विच इंक्लूड सिमरन गंगवानी, डॉली डरनानी, कविता पायस एंड फरीदा वेंकट पटेल, तो एंड योगी चोपड़ा, बिकॉज योगी वॉज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन. उन्होंने मेरे साथ हेल्प किया को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ही शॉट द फिल्म विथ मी ऑल्सो, हेल्प मी आउट ऑल्सो. सो आई थिंक एक फिल्म अकेले नहीं बनती, आपको बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है.
एंड आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैड दोज पीपल विद मी। सर इस अचीवमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, बहुत प्राउड मोमेंट तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप एक अवार्ड सिर्फ ये दर्शाता है कि आप जब मेहनत करते हैं तो लोग आप उसकी मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं, एंड वन हैज़ टू लुक एट इट लाइक दैट कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया है और अब आपको और मेहनत करनी है, बेटर फिल्म्स बनानी है, बेटर फिल्म्स लिखनी है। सो खुशी तो हमेशा होती है, लेकिन उस लेवल पर आपको रुकना नहीं और काम करना है। थैंक यू पानी आ जाएगा। सुभाषित जी, ये छठा साल आ गया है एज अ न्यूमरोलॉजिकल बताएं, और इस साल गवर्नर भी आ गए, इतने सारे महाराष्ट्र टूरिज्म से लेके इतने सारे स्पॉन्सर्स भी इस बार जुड़ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट कि अगर आपने इसमें एस्ट्रोलॉजी से अगर इसको जोड़ना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, तो 6 नंबर को बड़ा लकी माना गया क्योंकि उलट फिर है वो, ऊपर से 9 पढ़िए और नीचे से 6 पढ़िए, कन्फ्यूजन है ना, 6 नंबर में कन्फ्यूजन है कि नहीं, उलट दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो इस साल कन्फ्यूजन है कि कितना आगे जाएगा, लेकिन आगे जाएगा ये पक्का है, क्योंकि अभी जिन लोगों का साथ है ये आगे बता रहा है कि 7 नंबर पर जो है लक खुलेगा, और वो लक ऐसा खुलेगा कि पैसे आएंगे। मेन बात यह है कि इसको आगे और खूबसूरत बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे आएंगे और 7 नंबर पर पैसे आएंगे और 8 नंबर हम लोग मजबूत हो जाएंगे, यानी कि हम लोग एलिफेंट हो जाएंगे और बड़ा बड़ा कार्यक्रम को करेंगे, और देख करके फिल्में आएंगी, ज़रूर आएंगी, बहुत आएंगी, और हम लोग संभाल नहीं पाएंगे अगर मीडिया इसी तरह साथ देता रहा जो आप लोग दे रहे हैं, तो अब हम ये नंबर पे तो रुक जाएंगे। अगर अगला सवाल कुछ है तो हम देते हैं, बोलिए। नहीं, अभी बेटा बेटी का फाउंडेशन भी आपका, उसमें आप सोशल वर्क भी करते हैं इस फाउंडेशन के थ्रू, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटा बेटी मैट्रिमोनी जो है ये फ्री शादियाँ हम लोग कराते हैं, वो भी फ्री है, और चाहते ये हैं कि जो अटके हुए भटके हुए जो लोग हैं, जहाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आके, यानी कि बेटा बेटी मैट्रिमोनी पर आके अपना पूरा बायोडाटा छोड़ जाए, और हम लोग फिर कोशिश करते हैं। ये भी एक सत्कर्म है कि भाई कुछ आशीर्वाद मिले तो ये मून वाइट आगे बढ़े, क्योंकि देख ही रहे हैं कि चंद्रमा पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, देश कहाँ पहुँच चुका है, सिर्फ 75% सक्सेस मिल गया है, बाद में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन ठीक है, आगे फिर उजाला हो जाएगा जी। अभी लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस बार गवर्नर साहब ने आके बहुत तारीफ की और ऑल दी बेस्ट का फ्यूचर के लिए, तो कैसा लग रहा है अपने बेटे के लिए इतनी शाबाशी सुन के? गवर्नर साहब की बहुत बड़ी बात ये है कि गवर्नर साहब एक बहुत ही महान पुरुष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका भी एक न्यूमरोलॉजी मैंने देखा, तो हमें पता चला कि ये जो 31 तारीख को जो पैदा हुए, जो है वो छोड़ दीजिए, जो रियल है वो ये है 31 को जो पैदा हुए, ये नंबर के लोग बड़े ही जस्टिफाइड, यानी कि सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं होते हैं, एक अलग पॉलिटिशियन होते हैं, क्योंकि इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे वाजपेयी जी के टाइम में, और तीन चार बार ये मिनिस्टर बन चुके हैं पहले, और ये एमपी के हैं, और ख़ास तौर से जहाँ के भी हैं ये, वहाँ से ये 5 बार MLA और MP रह चुके हैं, मतलब ये फाइटर हैं, ऐसा नहीं है कि चुन करके राज्यसभा से और पहुँच गए और फिर झंडा हिला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये रियल पब्लिक फिगर है, पब्लिक का काम करने वाले हैं। ये जो गवर्नर साहब आज जो आए हैं हम लोगों के बीच में, तो उन्होंने समझा है, इस कन्विंस हुए हैं, बोले कि भाई काम तो बड़ा अच्छा है, बोले आगे कुछ हो इसके लिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं, और वो आ गए और आप लोग देख रहे हैं और किस तरह बोले हैं, ये गवर्नर आकर के इस तरह बोले, ये तो बड़ा असंभव बात है भाई साहब, लेकिन हम लोग के लिए बहुत, हम लोग के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए फ़ायदा ही होगा, और आगे बढ़ेगी गाड़ी, जो रुकी हुई नहीं है, चल रही है, स्पीड थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, वो बहुत फास्ट हो जाएगी इस साल से, साथ में। थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू। So I actually got this award for my friend because he made the movie, he was directing it, but I was like helping a little bit with the shooting, but we made it in Bali, and it's even called Bali Photo, but yeah, it's a comedy movie that based on the story of the movie Lord of Rings, so we just tried to make like a funny parody of that movie. Yeah, so I hope it went great. Thank you.
थैंक यू आई डोंट हैव दैट मच टू से दो अवार्ड मिला है तो इन लोगों की वजह से क्योंकि ये मेरे एक्टर्स हैं एक मिसिंग है फरीदा पटेल वेंकट ये कविता पायस हैं ये डॉली डडलानी हैं और ये सिमरन गंगवानी हैं और अभी ये जो कहना चाहे ठीक है जो है राजेश बलवानी के साथ वर्क करना वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस हम लोग ने ऑल नाइट शूट किया था एंड फिर भी वी वर लाइक ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम ऐसे लग रहा था जैसे बस घर के लिए वी आर जस्ट डूइंग समथिंग फॉर फन एंड इट टर्नड आउट सो ब्यूटिफुल विद हिज राइटिंग एंड हिज डायरेक्शन एंड आई मीन वी आर गुड गर्ल थैंक यू राजेश हाँ थैंक यू टू राजेश कि हमें ये चांस दिया मौका दिया एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर एंड मोर गुड गर्ल्स पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर फेयर एनफ सिमरन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर राजेश बलवानी एज एन एक्टर अ वेरी सीनियर एक्टर दैट आई नो फ्रॉम यूर्स एंड ही इज गॉट इट हिज डायरेक्टर इवेंट शो एंड ही इज डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स गुड गर्ल इज वन ऑफ द फिल्म्स वी आर वेरी डियर टू अस बिकॉज वी फोर फ्रेंड्स फैदा वेंकट इंक्लूडिंग आर अ थिक ग्रुप and he directly chose the right ones for the film so I think the beauty of the film came out through us as beautiful friends and he being the main guy in the film has done a brilliant job and I think oh yes you guys should watch the film on YouTube it's titled Good Girls it's a beautiful film it's a very family friend film to watch जस्ट वन लास्ट थिंग आई लाइक टू ऐड इस कि जब हमने राइटिंग की ना तो इन लोगों के इनपुट्स भी बहुत थे ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ राइटिंग ये बोला कि ये होने वाला है देयर वर लॉट ऑफ इनपुट्स एंड ऑफ कोर्स वी ऑल वुड लाइक टू थैंक देवाशीष सरगम जी एंड मून वाइट फॉर गिविंग अस दिस ऑप्शन सो थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू आप इस जूरी में हैं इस फेस्टिवल के लिए सिक्स्थ ईयर हुआ गवर्नर आए सबने बात की आप क्या कहना चाहेंगे इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल एंड इट्स ब्यूटिफुल आई थरली एंजॉयड यूड बी सरप्राइज दैट आई वॉज वॉचिंग द मूवीज एंड आई वेंट थ्रू द मूवीज यू नो एंड आई नेवर इन द इवनिंग आफ्टर वी फिनिश्ड आई वॉज आस्क्ड वेदर आई वॉज टायर्ड बट दे ऑल देमसेल्व्स सेड दैट आई लुक सो फ्रेश I went home and I asked my family members, am I looking tired? And they said, no, you've just looked as fresh as you left. So you can imagine that when you see some good work done, it freshens you up, it stirs you. And I am very grateful for this Moon White International Film Festival. They invited me, they made a part of their jury, and I'm grateful to all my colleagues. And everybody connected with this. All the volunteers were so cute. They were very nice and very, I would say, humble. And they were receiving, they received me beautifully. Only there was a little thing happened today because I could not reach the venue. I was these things happen. As you heard Devji saying that some mistakes are there. I reached that Santa Cruz Milan, I thought it is there. So locating this was, it took a lot of my time because the greats I have worked with, I learned because if you are a very good person, if you develop as a human being, your art automatically, I would say progresses or there's it's like infinite, you can grow as much as you can. And I would like to mention Rafi Sahab. He was very punctual. All the musicians used to tune in their watches that if Rafi Sahab has come, this must be the time. So I come from that period where I worked with all the greats. Nair Sahab used to come before. And I saw my father, although I come from Lucknow, UP, and I saw him, he was a civil engineer. He said, I don't know much, I just reach in time. So the office knows when they come on my desk, they themselves, you know, they are scared that we are making late and they never used to be late. So if you are in time, our entire music is in rhythm. This whole, just what we call the universe, the kainat, the entire kainat is in rhythm. And our bodies have got rhythm. We have to connect ourselves through art. Art is the only area where you think. And I want to share something. I spoke to the Vice Chancellor. We had a university's competition, music competition.
And I said, you must make it compulsory so that people think, because art is the only subject where you have to think. I'm saying something very serious, huh? Observation of mine. So I love this cinema, I love cinema music, and I, due to my own restrictions in those days, I'm talking about 40 years back, I was offered roles by, you name it, all the top banners, they had bets. But then I said, no, let me just concentrate on music. And I enjoyed working with all the top notchers. And I learned one thing, that if you are in time, everything falls in place. So, as I said, that everything is in moving in rhythm. अरे गीत कौन सा गीत सुनाए आप लोग ने मेरे पास तो बहुत सारे गाने जिससे मुझे पहचाना शायद आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे दैट वॉज गोल्डी साहब विजयानंद देव साहब के यंग ब्रदर गाइड तो जानते हैं उन्होंने हमें एक मेजर ब्रेक दिया था उसका गाना जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था सावन आया सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए चल दो वो है जहाँ गोल्डी साहब यूज टू सिंग विद मी ऐसे गाओ वी वर रिकॉर्डिंग एट फिल्म सेंटर इन दोज डेज इन नियर हाजी अली तो ही वॉज टू सिंग लाइक दिस सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए जो बहुत पॉपुलर गाना आप लोग जानते हैं मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना आई या 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 हमने आपको दो गाने सुना दिए एक ही जगह ओके हैप्पी आई टेक योर लीव थैंक यू थैंक यू थैंक्स फॉर योर दिलाज में थोड़ा पीछे है नहीं पागल है मेरा क्या नाम अवार्ड तो मिल चुका हमें आप मुझे कहने दो नहीं अवार्ड नहीं मिला आप दे यस यस चलो मतलब इसको देना ये भी देना सुधीर जी दिलराज जी बहुत बड़ी सिंगर हैं सीनियर सिंगर हैं देवानंद साहब और दिस इज फॉर हिम दिस इज फॉर हिम हाँ अनूप सर भी आ गए अनूप सर एक फोटो सर वो दो ट्रॉफी दे ट्रॉफी दे सर ट्रॉफी रुकिए नहीं साथ में पकड़ो सब पीछे जाइए ना पीछे पीछे आप पीछे दे दे नहीं भूल गए वो भी दे मेरे को वो भी सेंटर में है तो दे ये कौन सा चीज है ये दो बजे यार ये बोल किसका लगाइए ये किसका निकाल दे वायर वायर निकाल दे वायर तेरा निकाल हाँ और किसका वायर लगा है इसने वायर निकाल दिया पूरा कर्म आगे पहले देखो